अच्छा जैसे घर पे लोग, अच्छा यही गलती होती है कि लोग पूरा ही पका देते हैं, पूरा पका देते हैं तो उसमें अरारोट आप जितना मर्जी लगाते जाओ वो लेस बन जाएगी उसकी। अच्छा, और भैया कई लोग बोलते हैं कि भाई तुम पैसे देते हो या ऐसी फ्री फंड में बनवाते हो, आज बता दो भैया हमारी टिक्की बन के रेडी हो चुकी है और बनानी कैसी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू वायना फूडी। तो भाई आज की वीडियो तो आप देख के समझ ही गए होंगे, आलू की टिक्की रोड साइड वाली जो मार्केट में लोग खिलाते हैं वो बना रहे हैं, ठीक है। और साथ में इसकी रेसिपी तो आई गई है और साथ में हमारे आने वाली है जो इसकी चटनियाँ होती हैं और जो क्या बोलते हैं गोलगप्पे का जो पानी होता है, भल्ला पापड़ी, सारी वीडियो आने वाली है एक एक करके। तो वीडियो पे बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो या तो चैनल पे आ गई होगी या आने वाली होगी। तो ये है आज की वीडियो टिक्की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, कैसे बनता है आइए। तो भाई यहाँ पे बनना शुरू हो रहा है टिक्की। और यहाँ पे भैया आलू कितना लिया आपने? ये भैया आलू 1 किलो। 1 किलो आप आलू लिया है और घर के हिसाब से बता रहे काफी थोड़ी कम क्वांटिटी में, बिकॉज यहाँ पे देख लो भाई जो हलवाइयों के पतीले होते हैं ना बड़े बड़े, ये बल्क क्वांटिटी में बनाते हैं, बट लेकिन हम फिर भी कम क्वांटिटी में सीख रहे हैं ताकि घर पे आप इजिली से बना सको। तो भैया उबालते वक्त कुछ डालेंगे इसमें? नहीं भैया कुछ नहीं इसमें, बस सीधा उबाल भैया, इसे धोके इसे उबालने रख देना। ठीक है, धोके आपने इसे उबालना है, जितना भी टाइम लगता है उबालने में वो तो आपको आलू चेक करने के बाद ही पता चल जाएगा कि ये पक गया नहीं पका। तो चलिए इसे उबालते हैं, फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आगे देखते हैं। और अब इसमें हमने कद्दूकस करना है, कई लोग मैश कर देते हैं, मैश नहीं करना आपने, कद्दूकस करना है। तो भाई इसको कद्दूकस करने के बाद इसमें डालना है अजवाइन, अजवाइन के बाद आपने इसमें डालना है मैदा। मैदा कहाँ भैया? नहीं नहीं, 100 ग्राम अरारोट, 100 ग्राम आपने अरारोट डालना है, ठीक है। इसके बदले आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हो। और कई लोग काफी कमेंट करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कॉर्नफ्लोर अरारोट एक ही चीज है, अलग अलग चीज है, काम एक ही है। मार्केट में रेट भी पता कर लेना, अरारोट अरारोट प्लांट का बनता है और कॉर्नफ्लोर कॉर्न का, ठीक है। तो अलग अलग चीजें दोनों, और थोड़ा गूगल कर लेना अदरवाइज अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो। पहले मुझे हमें भी शुरू में एक ही लगता था, बट लेकिन जब हमने थोड़ा सा देखा इसके बारे में तब पता चला हाँ ये अलग अलग चीज होती है, काम बेसक से दोनों का सेम ही रहता है। तो ये अच्छे से आपने से मिलाना। भैया कितना मिलेगा 1 किलो आलू में? कम से कम 1 किलो आलू में भैया 100 ग्राम अरारोट, 100 ग्राम मैक्सिमम, ठीक है। ना आपने चेक करना ना कुछ, आप हमेशा आलू को अधकच्चा रहने देना और उसके बाद इसको क्रश करने के बाद, मैश करने के बाद, मतलब जितना नॉर्मल हम उबालते घर पे वैसे ही ना, नहीं हल्का सा घर पे थोड़ा सा और कम, हाँ हल्का सा कच्चा रहना चाहिए, ठीक है। जिसके कारण से आलू के अंदर अरारोट लगाने के बाद आप जो है एकदम फिट बैठेगा आपका, ठीक है ठीक है। अच्छा जैसे घर पे लोग, अच्छा यही गलती होती है कि लोग पूरा ही पका देते हैं, पका देते हैं तो उसमें अरारोट आप जितना मर्जी लगाते जाओ वो लेस बन जाएगी उसकी। अच्छा, उसका करारापन नहीं आएगा, उसका करारापन नहीं आएगा, फिर वो ऐसी गली गली सी टिक्की बन जाती है ना, वो लेस बन जाती है ना उसके आलू ज्यादा घुटने के कारण से। इसलिए आप आलू को हमेशा अधकच्चा रहने दें, ठीक है। ये एक छोटी सी टिप मिल गई है भैया की तरफ से कि आलू को थोड़ा सा अधकच्चा, मतलब हल्का था पूरा नहीं पकाना, थोड़ा सा कच्चा कच्चापन रहने दें, ठीक है। उसके बाद आपकी करारी बनेगी, बस अच्छे से मिलाना है। हाँ जी, बस अब ये देख सकते हो आप। बाकी अब मैं हम इसकी जो इसके अंदर मसाला जो भरा जाएगा स्टफिंग वो देखते हैं। हाँ, वो दिखा, ठीक है। तो मसाला बनाने से पहले आपने तब तक इसको टिक्की को ऐसे तोड़ के गोल गोल बना देना है, ठीक है। ये देख लो इस तरीके से, ये आप खुद देख सकते हो आपने कितनी बड़ी आपने टिक्की बनानी है। तो ये हमने तो आपको अपने हिसाब से, तो ये हम दिखा रहे हैं आपको, हमने अपने हिसाब से टिक्की तोड़नी है, ठीक है ठीक है। ये साइज रखना है, ठीक है, नॉर्मल जो साइज रहता है। हाँ जी, उतना बस। इस तरीके से आपने तोड़ तोड़ के सारी टिक्की को ऐसी गोली बनानी है जी। उसके बाद हम इसका जो मसाला बनाएंगे वो देखते हैं फिर उसमें क्या क्या डालना है। बस इस तरीके से आपने इसमें डालना है। तो भाई टिक्की के अंदर की जो स्टफिंग है उसका हमारा यहाँ पे बन रहा है, पनीर लिया है यहाँ पे, ठीक है। 200 से 250 ग्राम आपका ये पनीर है, इतना ही होगा भैया? हाँ जी, ऐसे कट करना है आपने, ठीक है, क्यूब्स में आपने इसको काटना है। इसमें डालेंगे हम थोड़े से काजू, बाकी आप ड्राई फ्रूट्स और सारे भी डाल सकते हो आपका जो जो मन। थोड़ा सा भैया ने मगज़ डाला है, ठीक है। ये कौन सा मसाला भैया? ये गरम मसाला है, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा नमक और हल्का सा कलर, ये ऑप्शनल है अगर आपका मन है तो, मतलब अगर दिखने में अच्छा लगे तो।
जैसे से आपने मिलाना है। ये आपकी स्टफिंग रेडी भैया? जी भैया, इसके अंदर हम डालेंगे, एक और चीज डाल रहे भैया, वो बता रहे भी आपको, ये डल गई थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी, ठीक है। और कुछ डलेगा भैया? नहीं भैया बस, अभी से हम टिक्की के अंदर भरेंगे। अभी ये स्टफिंग रेडी है, अब चले टिक्की के अंदर इसे फिल करते हैं। ये देखिए आप, अब स्टफिंग बनने इसकी शुरू हो चुकी है। और यार प्लीज़ एक लाइक कमेंट जरूर कर दो, इतना आपके लिए रेसिपी लेकर आते हैं, ठीक है। और भैया कई लोग बोलते हैं कि भाई तुम पैसे देते हो या ऐसे फ्री फंड में बनवाते हो, आज बता दो भैया, सबको पैसे अपना जितना है मिल जाता है ना? जी भैया, फ्री में आज की डेट में कौन काम कोई करता नहीं बनाता भैया फ्री की डेट में, ठीक है ना। तो हमारे जितने भी हलवाई हमारे चैनल पे जो बनाते हैं, हम सबको पैसा देते हैं, जितनी उनकी दिहाड़ी होती है उससे एक्स्ट्रा ही दे देते हैं। ये आप देख सकते हो, बहुत से दिखाते हैं चने की दाल इसमें भरने के लिए, तो आप इसके अंदर चने की दाल होगी आप वो भी भर सकते हो, और अगर आपको टिक्की पनीर और मूंग की दाल वो भरे, चने की दाल के अलावा मूंग की दाल भरी जाती है टिक्की के अंदर, आप हमेशा वो भी भरे, ठीक है। भर के आप देखें कैसी लगती है, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी भैया की टिप। तो चलिए फिर सारा ऐसे भैया को बनाने देते, और फिर जब इसको तलेंगे मतलब फ्राई करेंगे हल्का सा शैलो फ्राई उसमें तवे में, तब देखेंगे। लो भाई, तो भैया तेल कैसे रखना है इसके लिए? भैया तेल इसका भैया ज्यादा गर्म नहीं रखना, मीडियम मीडियम तेल रखना है, ठीक है। इसको करारा पनाने में इसका वो हो, ज्यादा तेल से क्या होगा, ज्यादा तेल जल्दी पक जाएगा ऊपर का, ऊपर ऊपर का रह जाएगा, अंदर से टफिंग उसकी वो कच्ची रहेगी, कच्ची रहेगी, ठीक है। आपने बिल्कुल ही धीमी मतलब धीमी भी नहीं, मीडियम आंच में आपने इसको पकाना है, बहुत कम भी नहीं करना कि तेल ही पकड़ ले, और बहुत ज्यादा तेज भी नहीं कि बस ऊपर से पक जाए और अंदर से कच्चा रह जाए। तो भैया एक साइड कितनी देर पकाएंगे भैया? ये आपका लग जाएगा दोनों साइड में 5 मिनट, पांच दोनों साइड में टोटल 5 मिनट, 5 मिनट की 5-5 अलग है, 5 मिनट पूरा लग जाएगा। तो 2 से 2.5 मिनट एक साइड लगेगा, और फिर जब इसे पलटेंगे 2 से 2.5 मिनट तब लगेगा। तो फिलहाल इसको एक साइड पकने देंगे, फिर जब इसको पलटेंगे तब देखेंगे। भाई ये देख लो, एक साइड टिक्की आपकी पक चुकी है, और मैं आपको बता दूं भैया ने अगर 2.5 मिनट बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि 2.5 मिनट में पक के आ जाएगा। ये तवा बड़ा है, गैस ज़्यादा है, तो सबके चूल्हे का अलग अलग हिसाब होता है। बस आप देख लेना जब इस कलर का हो जाएगा, जब आपको खुद ही पता चल जाएगा यार एक साइड से पक गया, तब आपने इसको पलट देना है। अब इसको हम पकाएंगे दूसरी साइड से। तो लो भाई निकालो, ये हमारी टिक्की बनके रेडी हो चुकी है। और बनानी कैसी है मतलब कैसे टिक्की हम सर्व करते हैं, ये तो आपने इंट्रो में देख ही लिया। तो ये थी आज की वीडियो टिक्की की, इंद्र भैया का थैंक यू सो मच। और मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, दिल्ली में कोई भी वर्क हो, स्नैक्स शादी वादी कुछ भी, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इनसे आप रेट कोट कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाय बाय।